देखो भाई, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनना और पूरा देखना। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे कड़वी सच्चाई के बारे में बताया हूँ जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कुछ लोगों को। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, और उनमें से 70% लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे उन लोगों को पता चल रहा है कि भाई पैड मोनेटाइजेशन होता है, तो वो लोग सबसे पहले अपना पैड मोनेटाइजेशन करा रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर उन लोगों में से आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग मोनेटाइज कराओ नहीं, पैड मोनेटाइज मत कराओ, लेकिन भाई मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो देखने के बाद शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। भाई आपकी लाइफ आप जैसे चाहो उस हिसाब से जी सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैं दिखाने के बाद आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर सारे यूट्यूबर कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चैनल दिखाना चाहूँगा जो देखने के बाद आप भी डिसाइड करना कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन लूँगा और फ़ोन में अपने मैं चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, ठीक है, और मैं यूट्यूब पर जाता हूँ। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखेगा मेरा जो भी मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है, वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे मतलब कृष्णा टेक है, कृष्णा टेक नाम का चैनल है, और ये भाई साहब क्या करते हैं, ये चैनल को मोनेटाइजेशन कराते हैं और 4000 घंटा कंप्लीट कराते हैं, ठीक है, ये अपना 4000 घंटा कंप्लीट कराते हैं। लेकिन आप इनका देखोगे अगर जो चैनल, ठीक है, अबाउट पे मैं जाता हूँ, और इन्होंने चैनल बनाया था नवंबर में ही 22 को, ठीक है, 22 नवंबर को, मतलब सॉरी 9 नवंबर को बनाया था इन्होंने 22 में। तो इनका लगभग अभी हो गया 2-3 महीने चैनल को लगभग हो रहा है, ठीक है। इनके चैनल पे लगभग 33,000 कुछ तो मतलब व्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनके लेके चलता हूँ अगर वीडियो शॉर्ट वीडियो पे, सबसे पहले तो शॉर्ट वीडियो पे इन्होंने देखिए कुछ वीडियोज़ पोस्ट किया है जिसमें इन्होंने मतलब चला रहा है, ठीक है, इनका वीडियोज़ चल रहा है यहाँ पे, मतलब मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन ये अपना नहीं करते हैं, ठीक है, ये दूसरों का करते हैं। और इन्होंने अपना भी दिखाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने अपना भी दिखाया। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक इनका वीडियो है, ये भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनका जो चैनल है यहाँ पर इन्होंने अपना मोनेटाइजेशन में अप्लाई किया था, मतलब जो इनका 4000 घंटा इन्होंने कम्प्लीट कराया था, ठीक है। यहाँ पर इनका मतलब 320 कुछ तो सब्सक्राइबर है। इनका जो वॉच टाइम है वो लगभग 2000 कुछ तो कंप्लीट हो गया है। इन्होंने मतलब इसमें दिखाया भी है कि इनका 2000 कुछ तो कंप्लीट हो गया है इस वाले, मतलब वाइटी स्टूडियो में अपना चैनल का एनालिसिस दिखाया, इनका 2000 कुछ तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन इनके चैनल पे व्यूज़ और इनका सब्सक्राइबर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में 1000 दिख रहा है कुछ तो, बाकी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका फ़ोन का कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसका क्या है, इनका जो मतलब मैं वीडियोज़ पे दिखाता हूँ, तो वीडियोज़ पे आप देखोगे इनके हर एक वीडियो पे मतलब 204, 800, 420, 700, मतलब 400 कुछ ऐसे व्यूस आ रहे हैं इनके मतलब चैनल पे। और इनका जो सब्सक्राइबर है वो भी ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो से और इनके जो चैनल मोनेटाइजेशन कराने का जो प्रोसेस बता रहे हैं उसकी वजह से इनका जो मतलब सब्सक्राइबर है वो आया है। तो इन्होंने अपना मतलब वॉच टाइम तो कंप्लीट कर लिया लेकिन सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट कर पाए। और अगर ये सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर लेते हैं तो इनका जो चैनल पे मतलब रिवेन्यू है वो 0 के बराबर आने वाली है। अब ये मत समझना आप 0 आएगी, 0 के बराबर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चैनल और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैं चलिए होम पे आता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ, यहाँ पर एक और चैनल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, टेक्निकल कौशल नाम से आप लोगों ने सुना हुआ, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल, अब मैं कौशल लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे आप टेक्निकल कौशल जी का देखोगे तो इनका कहना है कि ये 5000 से भी ज़्यादा पैड मोनेटाइजेशन करा चुके हैं, ठीक है। तो इनका मैं चैनल पे ओपन करता हूँ, इनका चैनल पे देखोगे तो 91 के मतलब इनका जो सब्सक्राइबर है और 530 वीडियो इन्होंने अपलोड कर चुका है अपने यूट्यूब चैनल पर। और इन्होंने यूट्यूब कब ओपन किया था, इनको यूट्यूब इनका 20 में ही चालू हुआ था, ठीक है, तो 20 का तो छोड़ दो, लेकिन इनका जो मतलब व्यूज़ है, वीडियोज़ में दिखाता हूँ, इनका जो व्यूज़ है वो मतलब 3000, 4000, 6000 ऐसे करके 4000, 10000, 7000, ठीक है, 6000, 6000, फिर कभी कभी 10000, 8000, 5000, 6000, जो एवरेज व्यूज है इनका 6000, 3000, 4000, 5000, इससे ज़्यादा नहीं है। कभी कभी कोई वीडियो चली जाती है तो 90000 यहाँ पे आ गई है लगभग, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपना ही चैनल मतलब अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है जैसा कि इनको करना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये खुद अपना मोनेटाइजेशन कराए होंगे चाहे सब्सक्राइबर बढ़ाए होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा ये अपना खुद का चैनल अपने मतलब पैड मोनेटाइजेशन के तरीके से किए हैं, लेकिन इनके ही चैनल पे उतना वो नहीं है। अगर ये चाहें तो रातों रात एक चैनल खड़ा कर सकते हैं, खोल सकते हैं और उससे अच्छा ज़्यादा रिवेन्यू कमा सकते हैं। तो अब चलिए मैं इनका दूसरा चैनल दिखाता हूँ, ठीक है, चैनल पे जाता हूँ। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए 1,32,000 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे इनके जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं वो सारे के सारे मतलब जो ट्रेंड में इनका चल रहा है वीडियो उनकी वजह से आते हैं। इनका जो पैड मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है उसकी तरह से इनका ना चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो
तो भाई मेरे कहने का मतलब बस यही है कि ये लोग खुद अपना चैनल कभी भी पेड मोनेटाइजेशन नहीं कराते हैं, तो आप लोग क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है। अब चलिए मैं पेड मोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि पेड मोनेटाइजेशन जब करते हैं ये लोग, तो सबसे पहले वो लोग VPN को कनेक्ट करते हैं और उससे आपका वीडियोस वॉच करते हैं। तो उससे वॉच करने से क्या होता है, आपका जो मतलब VPN से कनेक्ट रहता है सर्वर, तो उससे आपका जो वीडियो होता है ना, वो US में ही हमेशा रिकमेंड करेगा। आपका इंडिया में तो कोई वीडियोस चलेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर व्यूज़ आपका मतलब US से आ रहा है, तो आपका वीडियोस US में चलेगा। और US में चलेगा तो आपका वीडियोस कभी भी मतलब वायरल नहीं होगी। आप मोनेटाइजेशन तो करा लोगे, लेकिन व्यूज़ का आने का बहुत ही ज़्यादा कम चांस है। और अगर आते भी हैं तो आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आप पहले करते थे और जितना आप पहले करते, ठीक है? आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। अब उनका कहना कि आप कुछ ना कुछ कमाओगे, तो भाई कुछ ना कुछ कमाने से अच्छा बहुत कुछ कमाओ, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस रखो। देखो भाई, कहते हैं ना कि प्यार, शिक्षा और टैलेंट को कभी खरीदा नहीं जा सकता। आप एक टीचर को कितने भी पैसा दे दो, कितना भी उसको फीस दे दो, लेकिन वो तब तक आपको नहीं पढ़ा सकता है जब तक आप खुद से पढ़ना नहीं चाहोगे। तो यहाँ पे भाई आप कितना भी पैसा दे के आप चैनल मोनेटाइजेशन कर लो, कुछ भी करा लो, लेकिन जब तक आपके अंदर एक टैलेंट नहीं रहेगा, जब तक एक अच्छी वीडियो नहीं बनाओगे, जब तक एक अच्छी क्वालिटी की आप थंबनेल नहीं बनाओगे, जब तक आपको खुद नहीं पता रहेगा कि यूट्यूब पे चैनल कैसे मतलब अपलोड किया जाता है, वीडियो कैसे चलाया जाता है, तब तक आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते हो। आप चैनल को मोनेटाइजेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, चैनल को चलाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? चैनल पे सस्पेंस रख के वीडियोज़ बनाना, सब कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। चैनल मोनेटाइजेशन तो यूँ हो जाता है, रातों रात हो जाता है, क्योंकि कभी भी वीडियोस वायरल होती है तो रातों रात वीडियोस वायरल होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चैनल पे अच्छे तरह से रहना, वीडियोस बनाना, सब कुछ करना, ठीक है? तो आप इन सब चक्कर में मत पड़ो यार कि चैनल को मोनेटाइजेशन कराना कि क्या कराना, ठीक है? आप मेहनत करते रहो, अगर आपके मतलब कुछ टैलेंट है तो आप मेहनत करते रहो, उसका फल मिलेगा। लेकिन उसका फल मिलेगा तो वो लॉन्ग टाइम पे रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे गलत तरीके से आप मतलब वीडियोस को अपने चैनल को चलाते हो, प्रमोट करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपका कभी भी चैनल डेथ हो सकता है, कभी भी वो मतलब चला जा सकता है, ठीक है? आप लॉन्ग टाइम पे उस पर नहीं रह पाओगे कभी भी। तो भाई यार, अब से आप लोग समझ गए होगे कि मतलब आपको चैनल मोनेटाइजेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इसमें मतलब मेरा कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं ना चैनल मोनेटाइज करता हूँ और ना ही मैं ज़्यादा यूट्यूब से मतलब टिप्स से वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है? मेरा मतलब टेक्निकल वीडियोस है, मैं उस पर वीडियोस पे काम करता था। लेकिन मैंने ऐसा बहुत सारी चीज़ देखा जिस पे मुझे मतलब दिल से ऐसा मन किया यार कि मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ यार, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने आगे फ्रेंड को शेयर जरूर करना। जो लोग ऐसी वीडियोस मतलब ढूंढ रहे हैं चैनल मोनेटाइजेशन कराने के लिए, तो उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।